सुबह के 7 बजे हैं फ्रेंड, और मेरे शहर का नज़ारा देखें। सूर्य उदय हो चुका है बहुत ही अच्छी अपनी लाली माँ के साथ। बहुत मुश्किल समय, बहुत मुश्किल दौर चल रहा है फ्रेंड, और ऐसे मुश्किल दौर में जो है अपने को मोटिवेट करके रखें, अपने को खुश रखें। अपने को खुश रखें, सिर्फ वही काम करें जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपके मन को सुकून देता हो, जिससे आपको कंफर्टेबल फील होता, खुशी मिलती हो। क्योंकि इस समय आपकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जिम्मेदारी बनती है फ्रेंड, अपने को खुश रखें। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। और इसी के साथ मैं आशा, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आपका स्वागत है आशा की गार्डनिंग में, मेरी खुशियों की बगिया में। इस खुशियों की बगिया इसलिए फ्रेंड, अभी मैंने आपको बताया कि जिससे मन बहुत खुश होता हो, जिससे आपको अच्छा लगता हो, जिससे आपको सुकून मिलता हो, आपका मन डाइवर्ट होता हो, आपको फालतू की चीज़ें सोचने को ना आए आपके मन में, तो इसलिए जो है गार्डनिंग मेरा पैशन भी है और मेरे पास टाइम भी है। एक्चुअली जो मेरी गार्डनिंग की शुरुआत है वो लास्ट टाइम लॉकडाउन से ही हुई थी, मेरी किचन गार्डनिंग की स्पेशली। फ्लावरिंग का तो मुझे स्टार्टिंग से ही बहुत शौक है, और किचन गार्डनिंग का भी शौक़ था, लेकिन मुझे कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। लेकिन लॉकडाउन में जब मुझे पूर्णतः टाइम मिल पाया तो मैंने इसका पूरा फ़ायदा उठाया और अपने मन को पूरी तरीके से रिलैक्स कर दिया गार्डनिंग में। तो आज इसी छोटी सी क्लिपिंग के साथ जो है फ्रेंड, मेरी बम्पर हार्वेस्टिंग, आइए चलते हैं मेरे साथ। ये देखिए फ्रेंड, ये है मेरी जुगनी, और इस पर बहुत सारी जुगनी लग रही है, इसलिए मुझे कुछ को तो हार्वेस्ट करना ही पड़ेगा, तभी जाके जो है ये पीछे वाली जो है और अच्छे से ग्रो हो पाएंगी। तो ये देखिए, ये देखिए, वाओ, देखिए फ्रेंड, है ना वाओ फीलिंग, बहुत अच्छा लगता है। मन अति प्रसन्न हो जाता है। देखिए दूसरी भी, तो ये देखिए, ये दो दो जुगनियाँ, ये यहाँ से मुझे फ्रेंड एक और निकालनी पड़ेगी। अभी भले ही बड़ी नहीं हुई है, लेकिन इसको मुझे हटाना पड़ेगा, बहुत सारे इस पर ये लग चुके हैं, और सबको प्रॉपर पोषण मिले इसलिए जो है इसको मुझे करना पड़ेगा हार्वेस्ट। ये देखिए छोटी सी है, और मैंने अभी हार्वेस्ट इस पे देखिए आप कितने जो हैं, 1, 2, 3, 4, और ये छोटे छोटे तो देखिए कितने हैं बाप रे। तो इसलिए जो है सभी अच्छे से बढ़त ले, इसके लिए कुछ को हार्वेस्ट करना ज़रूरी होता है। तो ये थी मेरी, आज एक तोरी भी हार्वेस्ट करूँगी। तो ये और अभी नहीं, आज लौकी के हार्वेस्टिंग। इसके साथ ही बैंगन, बैंगन की हार्वेस्टिंग,
देखिए देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मेरे बैंगन, ये देखिए आप, एक कांटे वाले बैंगन हैं। ये मैंने फर्स्ट टाइम ही जो है ग्रो किए हैं, लेकिन इनकी सब्ज़ी बहुत बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी बैंगन है। तो इस तरीके से ये भी कांटे हैं ना फ्रेंड, जैसे गुलाब में होते हैं। तो इस तरीके से ये है मेरी आज के बैंगन की हार्वेस्टिंग। बाकी फ्रेंड शिमला मिर्च की हार्वेस्टिंग, ये देखिए ये साथ में, ये देखिए छोटा फल टूट गया फ्रेंड। देखिए फ्रेंड क्या क्या मैंने आज हार्वेस्ट किया है, बहुत बम्पर हार्वेस्टिंग है मेरी आज की। तो ये देखिए, सबसे पहले तो ये मेरी बीन्स देखिए, है ना। बीन्स तो डेली निकलती है, डेली डेली एक पाव बीन्स तो डेली की होती है मेरे पास। साथ में ये देखिए आप, ये देखिए ये मेरी जुगनी है ना, और ये दूसरी जुगनी। ये सब चीज़ें मैंने अभी आपके सामने हार्वेस्ट की है, और साथ में ये छोटा सा भी मैंने एक ले लिया है जुगनी का, छोटा सा ही था लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि आगे बढ़ेगा। और साथ में एक तोरी, तोरी तो अभी बहुत है फ्रेंड, लेकिन इसको मुझे निकालना पड़ा, क्योंकि मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि कंटेनर गार्डनिंग में हमें यही दिक्कत आती है कि हम सारे फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी देखिए आप कितनी बड़ी मेरी तोरी है, ये देखिए है ना, और कितनी हेल्दी है। लौकी, वाओ, लौकी तो जो है मेरी छत पे कम से कम 8-10 लौकी लग चुकी हैं, और हर बार वीडियो बनाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता। शिमला मिर्च देखिए आप, कितनी शिमला मिर्च है। साथ में बैंगन और हरी मिर्च है। तो ये थी मेरी आज की बम्पर हार्वेस्टिंग फ्रेंड। ये देखिए सभी चीज़ें देखिए, ये ये देखिए, बहुत पीछे मुझे जाना पड़ रहा है इसके लिए। ये है मेरी आज की बम्पर हार्वेस्टिंग। तो थैंक यू फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब आगे मैं बताऊंगी आपको मैं कौन कौन सा लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है अपनी गार्डनिंग में यूज़ करती हूँ, जिससे मुझे इतनी बम्पर हार्वेस्टिंग मिलती है। बहुत ज़्यादा है फ्रेंड हम लोगों के लिए, छोटी सी हमारी गार्डनिंग होती है, छत पर अगर आपका इतना कुछ उग रहा है तो बहुत कुछ है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगी आज के लिए, बस इतना ही। धन्यवाद।